हेलो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान हो या पौधे अपने गुणों से ही जाना जाता है। जैसे किचन किंग माना जाने वाला कड़ी पत्ता का पौधा, अब ये सिर्फ साउथ का नहीं रह गया है, पूरे भारत का नहीं रह गया, अब पूरे वर्ल्ड का हो गया है। इसे सिर्फ स्वाद के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें गुणों का भंडार है। कोई अगर प्लांट लवर नहीं है, किसी के घर में अगर कोई भी पौधा नहीं है, तो भी आपको उनके घर पे कड़ी पत्ता का पौधा जरूर मिलेगा। अगर किसी को इसके मेडिसिनल वैल्यू के बारे में नहीं भी पता है, तो वो अपने घर में सिर्फ इसलिए लगाता है कि किचन में आपके खाने के स्वाद को बढ़ाता है। इसे आप हर्बल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, आयुर्वेदिक पौधा किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं। पहले सिर्फ इसको लोग छौंका मारने में ही यूज करते, जैसे करी को छौंकने में, दाल को छौंकने में, या कोई भी साउथ इंडियन डिश होता था उसको छौंका मारने में ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग इसको जानने लगे, इसके वैल्यू को जानने लगे, इसके मेडिसिनल वैल्यू को जानने लगे, यूज को जानने लगे, तो इसका जो है यूज अब लोग बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लोग इसे बालों में पीस करके इसकी पत्तियों को लगाते हैं, या फिर पेट के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसका सूप बना के पीते हैं, इसकी चटनी बना के खाते हैं। ब्लड शुगर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए लोग किचन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। इस वजह से इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कि पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इस वजह से कम एक पर्सन को 15 से 20 लीफ को डेली यूज कर लेना चाहिए। इस वीडियो में आप मुझे बहुत देर से सीड हार्वेस्ट करते हुए देख रहे हैं और प्लांट को भी बहुत हेल्दी नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने इस बार इसमें बीज बनने दिया है। बीज बनने अगर आप देते हैं प्लांट में, तो प्लांट आपका बहुत हेल्दी नहीं दिखाएगा, प्लांट ऐसा लगेगा कि स्ट्रेस में है, हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि सारा एनर्जी जो प्लांट जो है बीज बनाने में लगा देता है। किसी भी प्लांट के साथ होता है, जैसे ही फ्रूट लगता है प्लांट अपने आप को सोचता है कि मेरा लाइफ सर्कल जो है ख़त्म हो गया, अपने आप को बूढ़ा समझने लगता है, एज वाला समझने लगता है, तो सारी पत्तियों को गिरा देगा, पत्तियां फ्रेश नहीं दिखाई देगी। इस वजह से अगर आपको कोई भी प्लांट का सिर्फ लीफ लेना है, जैसे कड़ी पत्ता का ज़्यादातर लोग लीफ ही यूज करते हैं, तो इस पर फ्रूट ना बनने दें, नहीं तो प्लांट आपका सही नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, ग्रीन नहीं रहेगा, पत्तियाँ अच्छे से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं सीड इसलिए बनने दी हूँ क्योंकि मुझे इस पर कई वीडियो बनाना था, इस पर शॉर्ट वीडियो काफ़ी बने हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। वैसे इसका सीड भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसका आप चाय बना के पी सकते हैं। जितनी पत्तियाँ फ़ायदेमंद नहीं होती, उससे ज़्यादा सीड बेनिफिट होता है। नए पौधे बनाने हो आपको कई, तो आप इसका बीज को बनने दीजिए, तो बीज से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। सीड्स की चाय बना के पी सकते हैं, बहुत सारे बीमारियों से लड़ने के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। जितनी इसकी पत्तियाँ फ़ायदा नहीं करती, उतने ज़्यादा इसके सीड फायदेमंद होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप लीफ की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हमेशा नीचे साइड वाली जो लीफ होती है उसको निकालिए, ऊपर की सॉफ्ट पत्तियों को आप कभी यूज ना करिए, क्योंकि उसमें खुशबू भी कम होती है, फ़ायदा भी कम करता है, और ऊपर का ग्रोथ को आप रोक देंगे। प्रूनिंग जब करना हो, तो आप प्रूनिंग करने के बाद जो पत्तियाँ फेंकने के बजाय आप इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर खाने के लिए आपको प्रॉपर हटाना है, तो आप नीचे की पत्तियां को लीजिए। और देखिए, प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है, मैच्योर होता है, इसकी उम्र होने लगती है, वैसे वैसे इसकी ब्रांचेज और ये स्टेम जो होता है काफ़ी हार्डी हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। इसी से पता चलता है कि प्लांट पुराना है। आप अगर नीचे की पत्तियों को हटाते नहीं जाएंगे, तो ये बेकार ही होता जाता है। कभी नोटिस किया होगा, कड़ी पत्ते के प्लांट में नीचे से कभी भी कोई ब्रांच नहीं निकलता है, ऊपर की ओर ही बढ़ता है ये। इसी वजह से इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। वैसे भी आप लीफ तोड़ते जाते हैं, तो नीचे की जगह खाली होती जाती, जो स्टेम होती है वो बिल्कुल खड़ी खड़ी दिखाई देती है, तो इसलिए भी प्रूनिंग जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप हटाएंगे तो प्लांट जो है और काफ़ी लंबा जैसा कम पत्तियों वाला दिखाई देगा। अगर प्रूनिंग करते रहते हैं तो बूसी प्लांट दिखाई देगा। इसके बारे में एक नई बात आपको बताना चाहूँगी कि इसे जो डॉक्टर सेंसिटिव प्लांट भी माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये इसमें एक गुण होता है डॉक्टर वाला, यानी डॉक्टर के आपके सारे खर्चों को ये कम कर देता है, इतना इसमें गुण होता है।
और सेंसिटिव इस वजह से क्योंकि ये प्लांट ऐसे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई बीमारी होती होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन इसमें होती है, थोड़ी बहुत ही होती है लेकिन होती है। तो सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि ये अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं, मिट्टी हार्ड रखते हैं, तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होता है। और इसको अगर छेड़छाड़ ज़्यादा आप करते हैं, यानी कि आप इसमें जगह इसकी बदलती रहते हैं, बार बार इसको किसी पॉट में शिफ्ट करते रहते हैं, तो ये प्लांट जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए बुरा मान जाता है, यानी अपनी ग्रोथ को रोक देगा, जल्दी ख़राब होने लगेगा। अभी आप देखेंगे कभी नर्सरी से लाते हैं तो ये प्लांट जो है 3 महीना 4 महीना तक, कभी कभी 6 महीना साल भर तक ये कोई ग्रोथ नहीं करता है, सिर्फ हरा बना रहता है। मेरे पास इसके लिए कमेंट भी आता है बहुत सारे कि मेरा प्लांट जो है बढ़ नहीं रहा है। तो प्लांट अगर आपको हेल्दी दिख रहा है तो बिल्कुल आप इसको कुछ मत करिए, सिर्फ थोड़े बहुत नाइट्रोजन बेस्ड खाद डाल दीजिए, कुड़ाई कर दीजिए, बहुत इसकी कुछ चीज़ें चेंज मत करिए क्योंकि चेंज इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पत्तियों वाला प्लांट है इसलिए नाइट्रोजन बेस्ड ही खाद हमेशा डालें, तो इसकी पत्तियां बिल्कुल डार्क कलर की चमकदार और हेल्दी दिखाई देंगी। एक क्वेश्चन और मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरी कड़ी पत्ते में खुशबू नहीं है। कड़ी पत्ते में खुशबू नहीं होने का मतलब है कि आपका प्लांट हेल्दी नहीं है। उसमें आपको न्यूट्रिशन डालने की ज़रूरत है, नाइट्रोजन बेस्ड खाद डालने की ज़रूरत है, या बीच बीच में आप 10 से 15 दिन में एक चम्मच छाछ लेकर के उसमें 10 चम्मच पानी डाल करके लिक्विड उसमें डाल दीजिए, तो आपके प्लांट में जो है खुशबू वापस आ जाएगी, यानी प्लांट में ग्रोथ होगा, हेल्दी होगा, तो खुशबू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बात करते हैं कि इसकी प्रूनिंग हमें कब करनी चाहिए। जब फरवरी मार्च का मंथ होता है तो कड़ी पत्ते के पौधे की प्रूनिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसी समय अच्छी ग्रोथ होती है और उसी समय फ्लावर आता है। हमें उस फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से अच्छी हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो उसके बाद जो है गर्मी आती है, गर्मी में अच्छी ग्रोथ होती है अगर अच्छे से आप पानी डालते हैं तो, और जैसे बारिश आता है वैसे इसकी ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ जाती है। वैसे भी कड़ी पत्ता का ग्रोथ सबसे ज़्यादा फरवरी मार्च में होती है और बारिश के मौसम होती है। गर्मी के मौसम ज़्यादा हीट होने की वजह से थोड़ा प्लांट की पत्तियां इसकी थोड़ी ख़राब होने लगती है, और विंटर में इसकी पत्तियां बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं अगर सही जगह पे नहीं रखे हैं तो। यानी विंटर में भी थोड़ी सी इसको शेड प्रोवाइड करवाना है और समर में भी इसको शेड थोड़ा सा देना होगा। अब मैं बताती हूँ आपको, अगर इससे आपको नए पौधे तैयार करने हैं तो उस बीज को लें जो बिल्कुल ही मैच्योर्ड हो, बिल्कुल पक गया हो, और पका हुआ बीज बिल्कुल डार्क पर्पल कलर का हो जाता है, तो हमें ऐसे बीज का सिलेक्शन करना चाहिए, नहीं तो नए पौधे निकलने का सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा। बारिश के टाइम ही इसका बीज तैयार होता है और इसी समय जो हमें इसको सॉइल में लगा ही देना चाहिए। अगले साल के लिए इसको रखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये फ्रेश बीज ही लगने में सक्सेस रेट सही देता है। बहुत पुराना बीज होने पर नए प्लांट अच्छे से नहीं निकलते हैं। वैसे इसका नया पौधा आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, इन्हीं दिनों लगाया जाता है, और थोड़ी हार्ड जो स्टेम वाले होता है वो 5-6 इंच का लीजिए, उसे ही सॉइल में लगा दीजिए तो आसानी से इस मौसम में लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में दूसरे प्लांट के साथ।